दिल्ली में उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा, विपक्ष पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। सब जगह एक जैसा ही जनादेश, कहां कहां से एफिडेविट इकट्ठा करेंगे, कहां कहां से लोग गुमराह करेंगे, उनकी में 1.5 लाख से ज्यादा का अंतर है, किसकी एफिडेविट लाएंगे और अखिलेश यादव कब तक जनता को भड़काने का काम करेंगे। ये सच्चाई है कि उपचुनाव में दुराचारियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी की राजनीति पर दुकान आज बंद होने के कगार पर है और नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को जनता ने नकारने का काम किया है। सपा के साफ होने का स्पष्ट संकेत है कि ये लूट झूठ की पॉलिटिक्स के अंत की घोषणा है। मतपेटियां लूटकर सरकार बनाने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और मैं अपने सभी उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता भाई बहनों का और पुलिस प्रशासन का, इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम का और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने पूरी मेहनत करके इस चुनाव को संपन्न कराया, एक लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब लोगों ने हिस्सा लिया, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में निगेटिव एजेंडे का प्रचार करके लोगों को गुमराह करने का काम किया था, मैं उसमें यही कह सकता हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और इनका चरित्र अब जनता के सामने है और जिस प्रकार से संबंध से घटनाएं हुई हैं और जिस प्रकार का वातावरण समाजवादी पार्टी बना रही है, लोगों को उकसाने का काम कर रही है, उसमें हम सब लोगों को समाजवादी पार्टी का चरित्र समझना चाहिए, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। धन्यवाद।